दोस्तों, तो ये है अपना देहरादून और कहीं हो रही है धूप तो कहीं हो रही है बरसात। तो यहाँ का मौसम है ऐसा खुशमिजाज वाला। आप चलोगे राजपुर रोड की तरफ तो आपको मिलेगी हरियाली हरियाली, और जहाँ हम रहते हैं उधर साइड हो रही है गर्मी के बुरे गर्मी से बुरे हाल। तो यहाँ देखिए आप प्यारा सा नज़ारा, और ये पार्क बने हैं यहाँ, बढ़िया बढ़िया कपल लोग बैठे हुए हैं, कपल लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और आज हम चलते हैं मसूरी की ओर, तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इस प्यारे से मौसम में। तो दगड़ियों, स्वागत आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिशनल पहाड़ी। तो अभी हमें राजपुर रोड, तो आज सभी लोग जा रहे हैं मसूरी की ओर, तो काफ़ी रश है संडे के लिए, संडे के दिन। और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम, प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। और जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ धूप और हवा चल रही है। थोड़ी देर बाद मैं आपको मसूरी का मौसम का नज़ारा दिखाऊंगा, तो वहाँ देखना आप पूरा कोहरा या बादल, हो सके तो वहाँ बारिश भी हो सकती है। तो चलो तुम लोग मेरे साथ बने रहिए, और भाई लोग चल रहे हैं आगे स्कूटी में, और मैं हूँ और अब अंकी मेरे साथ हैं। चलो भाई लोग, तो पिकअप की दिक्कत होती है स्कूटी में ज़रा मसूरी की चढ़ाई में। और देखिए कांवड़ कांवड़ यात्रा तो दबा के चलती है आराम से, वापस भी ओढ़ रही। तो हम पहुंच चुके हैं मसूरी रोड पे, और आप देख सकते हो मसूरी रोड तो संडे के दिन आपको खाली मिलेगी नहीं। और अभी हम हैं शिव टेंपल के यहाँ पे, और महाशिवरात्रि के दिन तो इस मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, 1 से 2 बजे सुबह के लाइन लग जाती है। और बट अभी हम चलेंगे, अभी भाई का प्लान है कि सुरकंडा देवी माता मंदिर जाने का, तो इसलिए हम रुकेंगे नहीं। अरे देख रहे हो यात्री लोग पीछे शीशे पे भी नहीं देख रहे हैं। तो यार हम पहुंच चुके हैं टैक्स के यहाँ पे, जहाँ से मसूरी का टैक्स लगता है। और इधर देखो यहाँ लगा है UK 07 के लिए, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, बट हम UK 07 है तो हम इधर से निकल चुके हैं। तो चलो, आप मैंने कहा था ना आपको, जब हम देहरादून थे तो वहाँ कैसी धूप लगी हुई थी, और यहाँ देखिए मौसम ऊपर लगे हुए हैं काले बादलों सामने। तो यार यहाँ से देखिए पूरा देहरादून हो, आप देख सकते हो प्यारा सा नज़ारा। और वहाँ देखिए वहाँ लगी हुई है धूप, और ये ऊपर लगे हुए हैं काले बादल, तो धीरे धीरे काले बादल जा रहे हैं देहरादून की तरफ। तो यहाँ चल रहे हैं बहुत खतरनाक सा मौसम। तो चले अभी रुके हम दोस्तों के लिए मैगी पॉइंट से थोड़ा ऊपर। लीन मारते हुए निकलते हैं, या काफी अच्छा। तो दोस्तों आप सामने पे देख सकते हो वो है मसूरी, और आप देख सकते हैं वहाँ पे काले बादल, और हल्की हल्की इधर साइड तो बारिश भी होना स्टार्ट हो चुकी है। बट अभी हमें चलना है सुरकंडा देवी, जहाँ वो काले बादल लगे हुए हैं। बट मेरे को लगता है कि भाई आज बारिश आएगी, और मैंने गलती कर ली कि मेरे बरसाती लेके नहीं आया और हुड भी लेके नहीं आया। तो चलिए हमने मसूरी का रास्ता कट कर लिया है, जो ये रास्ता है मसूरी जाता है, और हम शॉर्टकट रास्ते आ चुके हैं यहाँ से ऊपर। तो चलो निकलते हैं सुरकंडा देवी माता मंदिर की ओर, और मौसम के हिसाब से हमको लगता है कि थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो चोरे भारे सारे बैठे मौन, सारे कौम से बीमार है, औसत है ना कौन, सारे औसत नहीं पा रहे, ये 100% फैक्ट है। हाँ बातों से सारे राइडर चेंज हो चुके हैं, क्योंकि भाई जी को बिन हेलमेट के चलना है, और हेलमेट में गोप्रो माउंट है, तो फिर वीडियो तो मैं ही बना पाऊंगा। तो यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना भाई, देहरादून का अल्टीमेट सा नज़ारा, अल्टीमेट पूरा देहरादून, उधर से डोईवाला से लेके और इधर तक, इधर क्या होगा ये तो मेरे को भी नहीं पता, विकास नगर पूरा दिख रहा है भाई अल्टीमेट। तो यार हम पहुँच चुके हैं झड़ी पानी, और हम यहाँ से निकलेंगे शॉर्टकट के रास्ते, भाई भी आएगा। तो यहाँ से खतरनाक चढ़ाई। तो चलो चलो चलो। यह है खतरनाक चढ़ाई, आप देख सकते हैं। और स्कूटी देखिए चढ़ती है नहीं चढ़ती है, तो स्कूटी आ रही है पीछे से, हाँ चढ़ रही है चढ़ रही है। तो चलते रहो चलते रहो, ये मिलेगा सीधे सुरकंडा वाले हाईवे पे, और ये शॉर्टकट रास्ता है अंकल जी से पूछो। और देख सकते हो आप खड़ी चढ़ाई, और पीछे से आ रहे हैं दोस्त लोग, तो एक बार दोस्त को भी दिखा लेता हूँ मैं यहाँ पर से। तो दो छोड़ी है पीछे, यहाँ पे रुक जाए यहाँ पे, वो चल 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 बहुत घड़ी चढ़ाई है। तो देख सकते हो तुम,
बाइक ही जब 200 सीसी की फर्स्ट गियर में चल रही हो तो 110 सीसी है स्कूटी। यहाँ पे रुकते हैं, चलो देखते हैं, भाई लोगों को दिखाता हूँ मैं, भाई लोग पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। कहाँ गए, कहाँ गए लौंडे, कहाँ गए लौंडे, मेरे को लगता है बहुत पीछे छूट गए। ओहो भाई अकेले में आ रहा है। भाई सिंगल में आ रहा है, सिंगल स्कूटी लेके। अरे स्कूटी तो ऊपर चले गए, बाइक हमने यहाँ रुकी है, जो स्कूटी के साथ भाई था ना वो पैदल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इतनी खतरनाक चढ़ाई है और फिर अभी हमें ऊपर जाना है, तो चलो मिलते हैं आपको ऊपर, क्योंकि स्कूटी चल चुकी है ऊपर। तो ये देखिए यार दोस्तों, जो ये मसूरी से झड़ी पानी से जो शॉर्टकट रास्ता आता है, जो कि सुरकंडा हाईवे पे पहुंचता है, तो ये रास्ता है। अब प्यारा सा नज़ारा देखिए, पूरे ग्रीनरी ग्रीनरी, और यहाँ पर है जीरो वैन। ओए होए ओए होए, तो हमारे राइडर है आज अंकी, तो अंकित हो गया, बाकी एक राइडर पीछे आ रहे हैं जिनकी स्कूटी चढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि 200 सीसी में इतना टाइम लग रहा है, तो वो तो 110 सीसी है। बाकी ये रास्ता देखिए, अल्टीमेट सा नज़ारा जंगलों के बीच से, प्यारा सा नज़ारा। तो थोड़ा मौसम भी ख़राब हो चुका है और मेन हाईवे में हम पहुंच चुके हैं, ये है मेन हाईवे। यहाँ से आप अगर सीधे आगे जाओगे तो मसूरी के लिए जाओगे, और राइट टर्न होंगे तो तुम सुरकंडा देवी के लिए जाओगे। इस स्कूटी ने एक और टास्क पार करना है, तो यहाँ से उस ऊपर की चढ़ाई तक पहुँचना है स्कूटी ने। तो भाई पिकअप बना रहा है, पिकअप बना के चल ले, चल खींच। तो भाई जाना है इधर, तो देखते हैं भाई की स्कूटी कहाँ तक पहुँचती है। तो यार दोस्तों, अभी अगर हम देहरादून से जब निकल रहे थे तो वहाँ कैसी धूप थी, मैंने आपको बताया भी था, और अब हम मसूरी से आगे सुरकंडा देवी माता मंदिर की रोड पे निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा। तो हम पहुंचने वाले हैं सुवा खोली, और यहाँ पे ड्राइवर साहब ने पहन लिया है, राइडर जी ने पहन लिया है जैकेट, बाकी कोहरा लगा है, घनघोर वाला कोहरा। आप यह है गर्मियों का टाइम, देहरादून में गर्मी से बेहाल हुए हैं, और यहाँ देखिए यहाँ लोगों ने जैकेट पहने हैं, और गलती मैंने कर ली कि मैं जैकेट नहीं लेकर आया, ठंडा तो हमें भी लग रहा है, लग रहा है मौसम की जैसे बरसात के बाद ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी होगी, बट अभी तो ये जुलाई का महीना चल रहा है। कोहरा देखिए आगे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट खोल के चारों इंडिकेटर खोल के चल रहे हैं हम, और हल्की फुल्की बारिश भी आना स्टार्ट हो चुकी है। ना हम अपने लिए लेकर आए हैं कुछ बरसाती, ना गोप्रो के लिए लेकर आए हैं बरसाती। तो यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से चलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा अपनी पुष्पा को भी रेस्ट देना बनता है इस मौसम में। और ये देखिए आप, पूरा कोहरा ही कोहरा, लग ही नहीं रहा है कि गर्मियों का मौसम होगा, जुलाई का मंथ चल रहा होगा, और ये देख सकते हैं आप। तो इसी मौसम को देखने के लिए आज हमारा प्लान बना कि हम धनौल्टी साइड या मसूरी साइड चलते हैं। तो फिर जब इस साइड आ ही गए थे, तो फिर हमने सोचा क्यों ना माता जी के भी दर्शन कर दिए कर लेते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो हम इस बार मंदिर तो घर ही के वहीं पर है, बट ऐसे दर्शन करना बनता है, तो इस भाई ने ज़बरदस्ती करी, तो फिर हम निकल चुके हैं। भाई की भी आज छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा क्यों ना। अरे देखिए भाई का पोज। तो ये देखो दोस्तों, नज़ारा नज़ारा नज़ारा। अभी हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी, और ये है धनौल्टी का मार्केट। थोड़ा थोड़ा मौसम यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, बट सुरकंडा माता मंदिर की ओर तो पूरे काले बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ से सुरकंडा देवी मंदिर बचा है 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर, और न्यू टिहरी है यहाँ से 41 किलोमीटर, और चंबा है यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, वैसे अभी तक तो हमारा धनौल्टी का प्लान है, और दिन के बच चुके हैं 2, और ये देखिए प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा। यार दोस्तों आज हम चलेंगे ट्रैक करके सुरकंडा देवी मंदिर, क्योंकि आज रोपे भी बंद है, तो अच्छा ही हो गया, अगर रोपे खुली रहती तो लौंडों का मूड चेंज हो जाता। तो आज हम जाएंगे ट्रैक करके, और 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो चलो गोप्रो पे भी बैटरी कम बची है, तो आपको मिलता है थोड़ी देर ऊपर रास्ते में। तो जब भी का कोई ट्रैक होता है, चाहे तुंगनाथ हो, चाहे रुद्रनाथ हो, चाहे आज सुरकंडा हो, तो हर जगह सांस फूल रही है। Oh, my God.
आया मैं सर शेर का बच्चा भयंकर भाई शेर का बच्चा यार मगर तो भाई वीडियो बनाने के कारण और शॉर्टकट बांधने के कारण बड़ा टफ पड़ गया है तो शेर का बच्चा है हाँ तो छोटा है बंदर नहीं है शेर है अरे वाह बंदरों के साथ है बंदर मार रखो ना तभी तो हाँ तभी तो भागे हम तो भाई खतरनाक हो गया क्या था भाई वहाँ बता दे भाई शेर था भाई इतना बड़ा भयंकर भाई साहब मेरा दिल टक कहीं और दूर पहाड़ों में मौत को छू के टक से वापिस आए ये भाई सबसे आगे जा रहे सबसे तो भाई खतरनाक टफ हो गया तो चलो देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है 1.5 किलोमीटर का ट्रैक थे जो कि हमें आधे घंटे में पूरा कर चुका है तो यहाँ से 150-200 मीटर बचा होगा बाकी हमारे ट्रैक गाइड भाई साहब 5 किलोमीटर आए सर कितने मिनट में आधा घंटा भाई साहब 20 मिनट थोड़ा उम्र होगी ना जवानी में तो बहुत जल्दी आ रहा है तो यार 1.5 किलोमीटर का ट्रैक 30 मिनट होने वाला है हमें और 30 मिनट में पूरा होने वाला है यहाँ से 100-150 मीटर बचा है बाकी खच्चर सर्विस चालू हो चुकी है रोप वे बंद होने के कारण खच्चर की सेवा स्टार्ट हो चुकी है जो कि 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है बाकी हम मंदिर पहुँच के मिलते हैं आपसे और गाइस सब बढ़िया हम पहुँच चुके हैं मंदिर के नीचे और भाइयों ने सोचा था कि हम सब रोप वे मजोला तो चलिए तो चलो यार पहुंच चुके हैं मंदिर में और आधे घंटे में हमने ट्रैक पूरा कर लिया है कंप्लीट तो जल्दी से जल्दी दर्शन करते हैं यार किस्मत भी देखो जैसे हम मंदिर में पहुंच गए तो मौसम भी खराब हो चुका है फोटो शूट का इंतजार था भाई को तो अब सच्ची सरदाजी मेरा वो कुछ चीज तो दिन तो यार हम पहुंच चुके हैं मंदिर में तो चलो मंदिर है मेरे पीछे तो दर्शन वगैरह कर लेते हैं और फिर कराते हैं आप सभी को भी दर्शन क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो भारी से आपको मंदिर के दर्शन करा के और मैं दर्शन कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ आप सभी से यार दोस्तों दर्शन कर चुके हैं अभी हमने तो लास्ट बचा है हमारा ये चुन्नी बांधना जो भी मनोकामनाएँ होती है वो आप इससे मांग सकते हो और अपनी मनोकामनाएँ मांगते हुए इसे बांध दीजिए यहाँ पे जैसे कि आप मैं देख सकता हूँ ये सब लोगों ने अपनी मनोकामनाएँ मांग रखी है तो जब मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है तो फिर इसको खोलने भी आना पड़ता है तो ऐसी जगह बांधना जहाँ तुम्हें भी याद हो और आप खोलने आ जाए जब आपकी मनोकामनाएँ पूरी होती है तो चलिए हम भी बांध देते हैं दर्शन करके आ चुके हैं अब भाई देख रहा है अभी रोप वे तो चलो यार दोस्तों आज का ट्रैक भी निपट चुका है क्योंकि हम नीचे से रोड से और ऊपर मंदिर तक का 1.5 किलोमीटर की तय हमने आधे घंटे में कर लिया है और नीचे पहुंचना है हमें 10 मिनट में ओए नीचे पहुंचना है हमें 10 मिनट में तो हो चुके हैं अभी हमें 4 मिनट हो चुके हैं 6 मिनट बचे हैं हम पे तो चलो रोड पे चलते हैं फिर मिलते हैं आप सभी को तो यार दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीचे और 10 मिनट में पार कर लिया हमने सफ़र जैसा कि इनका कहना था कि 10 मिनट में हम नीचे आ सकते थे और आधे घंटे में ऊपर जा सकते थे वैसे तो इनका ऊपर जाते हुए 20 मिनट था बट आधे घंटा लगते थे कम से क्योंकि जवानी होती तो थोड़ा जवानी बुढ़ापा आ गया इस पर 28-29 साल का हो गया हम 25 साल के लड़के नहीं मिले तो चले आज सुबह से भी व्रत था थोड़ा बहुत यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह खाते हैं तो चले आज ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई वीडियो में देखते रहे ट्रेडिशनल पहाड़ी विद राहुल पर्वत।